आज एक बहुत महत्वपूर्ण घटना दिल्ली के निगम के अंदर घटित हुई है। रानी झांसी फ्लाईओवर का आज उद्घाटन किया गया है। तकरीबन इसको कॉन्सेप्चुलाइज करने के 2 दशक बाद, और जहां भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेतृत्व को एकमात्र 1.6 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर को पूरा करना 20 वर्ष में और उसका उद्घाटन करना, जहां भारतीय जनता पार्टी को इस पे शर्म आनी चाहिए, वहीं बड़े गर्व और गौरव से माननीय हरदीप पुरी जी कई सारे मंचों और माध्यमों पर इसका श्रेय लूटने का प्रयास करते हुए नजर आए। आज पहली बार रानी झांसी फ्लाईओवर और इसके निर्माण में हुए भ्रष्टाचार और उसमें हुए भ्रष्टाचार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा आंख का मूंद लेना, इन तीनों विषयों पर आज पहली बार हम बात नहीं कर रहे हैं। आप सबकी जानकारी में होगा कि लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास जब प्रोजेक्ट प्लान बना था इस फ्लाईओवर को बनाने का, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट थी उस समय की, और जो बढ़ते 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 750-800 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, 10 गुने से भी ज्यादा कीमत में और तयशुदा समय से भी ज्यादा, कई वर्ष ज्यादा बीत जाने के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है कि ये पुल जनता के लिए खोला गया है। आम आदमी पार्टी ने इस पे कई बार कई सारे खुलासे किए। मसलन आप सबकी जानकारी में लाना चाहूंगा, निर्माण के लिए जमीनों के अधिग्रहण के एवज में लगभग 110 करोड़ रुपए का बोगस पेमेंट हुआ, किसी अभिषेक नाम के व्यक्ति को हुआ। आज तक किसी को पता ही नहीं चला ये अभिषेक नाम का व्यक्ति है कहाँ, कोई जांच नहीं हुई इसकी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, बार बार सवाल खड़ा करने के बावजूद। घोटालों का आलम यह कि यह प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय के साथ मिलकर बन रहा था, जहां पे कॉस्ट शेयर की जा रही थी, और एक सेक्शन इस फ्लाईओवर का जो बना ही नहीं उसका पेमेंट किया गया, ये जानकारी भी हमने आपके सामने रखी थी, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसके अलावा पुल का जो रैंप था, जब प्रोजेक्ट का कॉस्ट एस्टिमेशन हुआ तो उस रैंप में फाइन यमुना रिवर सैंड भरने की बात थी, वो भरने की बजाय वेस्ट मटेरियल से रैंप को बनाया गया, वहां भी घोटाला हुआ। तो सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले और दर्जनों बार डेडलाइन मिस करने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी इसका उद्घाटन कर रही है और वो शर्म से नहीं डूबी है। तो इतना ही कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी खाल कांग्रेस पार्टी कि जो बेशर्म खाल सी उससे भी ज्यादा मोटी कर ली। आम आदमी पार्टी इस लगभग 1 मील लंबे फ्लाईओवर के निर्माण में जो राशि खर्च हुई उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछना चाहती है। माननीय हरदीप पुरी जो ट्विटर पर उछल उछल कर इसका श्रेय ले रहे थे, उनसे भी कुछ सवाल पूछना चाहती है। हालांकि एक मामले में अपनी फजीहत वो ऑलरेडी करवा चुके हैं। 5 सवाल है भारतीय जनता पार्टी और हरदीप पुरी के लिए हमारे। पहला, रानी झांसी फ्लाईओवर के निर्माण में करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर केंद्रीय एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी जी क्या किसी भी किस्म के जांच का आदेश देंगे, अगर आंखों में थोड़ी भी शर्म बाकी हो तो? सीबीआई जांच, विभागीय जांच की बात नहीं कर रहा मैं, एमसीडी की जांच की बात नहीं कर रहा मैं, लीपापोती की बात नहीं कर रहा मैं, एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन जो कम से कम सीबीआई की हो सकती है, सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले की बात है।
तो हम जानना चाहेंगे कि माननीय हरदीप पुरी जी, इन घोटालों का जो प्रथम दृष्टया घोटाले प्रतीत हो रहे हैं, नहीं हो अच्छी बात है, बैंड बाजा बजाइएगा, इसकी कोई जांच होगी कि नहीं, हमारा पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जांच करवाएंगे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ? घोटालों के तमाम इंस्टेंसेस पब्लिक होने के बावजूद, पहले कौन थे इसके मिनिस्टर साहब, यूडी वाले वाइस प्रेसिडेंट महोदय थे पहले, हाँ राइट, और अब माननीय पुरी जी हैं, तब भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो हरदीप पुरी जी इसकी जांच कराएंगे किसी किस्म की या नहीं? दूसरा, इस फ्लाईओवर के निर्माण में कई बार ऐसा पाया गया कि निर्माण न होने के बावजूद ठेकेदारों को सैकड़ों करोड़ रुपए की पेमेंट की गई। ऐसे दो मामले हमारे संज्ञान में आए जिनका हमने जिक्र किया, एक्सपोजे किया, गार्डर रखे बगैर रेलवे लाइन के पास पेमेंट कर दिया गया और रैंप बनाने में वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया, जबकि उसमें फाइन यमुना रिवर सैंड का यूज होना था प्रोजेक्ट के टेंडर के मुताबिक। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने छद्म गवर्नेंस का ढिढोरा पूरे देश में पीटती नजर आती है, माननीय हरदीप पुरी जी से हम जानना चाहेंगे कि महज एक मील लंबा ये फ्लाईओवर बनाने में कैसे उनको दशकों लग गए? ये सब समझते हैं, किसी भी सरकारी प्रोजेक्ट में आप टाइमलाइन शिफ्ट करिए, प्रोजेक्ट की कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है, और प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है तो फिर कमीशन खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कमीशन खोरी की तरफ इशारा करता है ये डेडलाइंस का शिफ्ट होना बार बार। माननीय हरदीप पुरी जी को बताना चाहिए कि इस रफ्तार से काम करने वाली उनकी पार्टी द्वारा शासित निगम में आने वाले 2-3 सालों में कितने काम कर पाएंगे वो। अगला सवाल हमारा, जमीनों के अधिग्रहण के एवज में 110 करोड़ रुपए का लगभग जो पेमेंट हुआ, बोगस पेमेंट हुआ, उस पेमेंट की भी जांच होनी चाहिए। इस पे आज तक कोई जांच नहीं हुई, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। और पांचवा सवाल हमारा ये है कि एक दशक से भी ज्यादा समय तक उस इलाके की जनता इस पुल के निर्माण कार्य के चलते रहने की वजह से बुरी तरह से परेशान हुई है। लोगों का इलाज छूटा है, एग्जाम छूटे हैं, नौकरियां छूटी हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं, इन तमाम जन असुविधाओं के घटित होने की वजह से, लोगों को परेशान करने की वजह से, क्या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दिल्ली की जनता से अपने निकम्मेपन के लिए माफी मांगेगा हाथ जोड़ के? ये पांच सवाल हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, माननीय हरदीप पुरी जी से हैं। हम उम्मीद करते हैं जनता के साथ एंगेज करने वाले, हालांकि गलत आंकड़ों पर ही सही, पर एंगेज करते हैं, माननीय पुरी जी इसका जवाब जरूर देंगे।